अरे तुम यहाँ बैठे हो सुबह सुबह? हाँ भाई, आज तुम्हारी बर्थडे जो है। हैप्पी बर्थडे मम्मी। थैंक यू। और मम्मी आज क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम क्या है? यही अपना जैसे होता है हर बार, घर पे कुछ बना लेंगे बढ़िया। अच्छा तुम लोग की पसंद का क्या खाओगे? खाने की बात नहीं है, बाहर चलो कहीं घूमे फिरेंगे, वहीं कहीं खा भी लेंगे। नहीं नहीं बाहर नहीं खाएंगे, पापा की भी तुम देख लो तबीयत ठीक नहीं, इनको डाइजेस्ट हो नहीं रहा है, फिर इनके कुछ दिक्कत हो जाएगी। बाहर बाहर का छोड़ो, 7-8 हज़ार का बिल आता, घर ही में कुछ बना लेंगे, सूखे वाले आलू बना लेंगे और बढ़िया मटर पनीर और गरम गरम पूरी। मटर पनीर मत करो भैया। अरे गरम गरम पूरी हम बबली मिलकर निकालेंगे, निर्मला से आटा मड़वा लेंगे। नहीं खाओगे मटर पनीर? क्या खाओगे? पनीर टिक्का। पनीर टिक्का मिक्का पिक्का सब हम नहीं बना पाते, फिर बबली बनाएंगे। सरप्राइज देने की जो है वो बुक कर दी थी। क्या वहाँ सीटें हैं? कहाँ पे? रेस्टोरेंट में? कैंसिल ही हो जाएंगी, उसको कैंसिल करा दो। कोई पैसे थोड़ी ना पड़े होंगे कि पैसा दिया था? नहीं पैसा तो नहीं दिया था, कैंसिल करा दो। हाँ उसको कैंसिल करा दो बेटा, फिर वो भी निर्मला को भी आराम हो जाएगा, वो भी सोचेंगे आए दिन तो बाहर ही चले जाते हैं। फोन देखो कहाँ है हमारा फोन। लो फोन का क्या करोगी? ये लो। अरे लाओ तो एक चीज देखनी है। सुबह सुबह उठते ही फोन, हमको मना करती हो। यही देखना था। देखो जब बबली मम्मी का बर्थडे होता है तो इनकी रात में करेक्ट 12 बजे जो है 8-10 फोटो अपनी मम्मी के साथ लग जाती है। हमारा बर्थडे तो एको फोटो अभी तक स्टेटस पे इनके नहीं पड़ी, फिर कहेंगे कि जो है पता नहीं क्यों मम्मी जी वो। ये अच्छा बोला था तुमने, कैसे बोला था मम्मा? तुमने डाली है? हम डालते ही नहीं। अगर हमारे क्यों नहीं डालते? डालो। और सुनो हमारी डालना तो कोई वाली फोटो डालना, वो जो हमने पार्क नहीं गया चश्मा लगा के बड़ा वाला। अरे देखिए किसका फोन है, बहुत देर से बज रहा है, उठा लीजिए। किसका है? देख रहे, रुको यार, बड़ी दीदी का है तो। अच्छा अच्छा तो बात कर लीजिए, बात कर लीजिए। अरे तो तुम कर लो ना, क्या हुआ? हम नहा रहे ना, कह दीजिए नहा रहे थे, बात कर लीजिए। बर्थडे कह रही है, विश कर रही। क्या कह रही थी बड़ी दीदी? कुछ नहीं कह रही थी, पूछ रही थी, विश कर रही थी हैप्पी बर्थडे का। तो हमने कहा कि पूछे थे क्या प्लान है, तो हमने कहा कि आज सब गरीब है, सब प्लान तो गरीब आ जाना। क्या गरीब क्या प्लान है? अरे खाने पीने तुमने बताया था ना, सब घर पे है, बंटी बता रहा था, तो हमने कहा ठीक है। अच्छा अच्छा तो आपने बुला लिया है? देखो क्या है, क्या आज क्या है? बर्थडे है तुम्हारा। किसका? तुम्हारा है। सुबह से कहा नहीं आपने, उसमें भी शर्म लगती है। नहीं शर्म कहे तो दिया, अभी कहते हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे आपका होता है, तुम सुबह से लगे रहते हैं काम में, ये कर दें वो कर दें, वो कुर्ता ले आए तो वो पजामा पहन लेंगे। आपको कम से कम यही है कि दो शब्द ही ढंग से बोल दिया करिए। यार देखो बच्चे हो गए बराबर, अब ये नहीं सही रहता है कि हैप्पी बर्थडे बोल दो, गुलाब दे दो। जब बच्चे छोटे थे तब आप क्या कर लेते थे? जब बच्चे नहीं हुए थे तब आप कौन सा हमारे लिए बहुत फूलों की वो तैयार कर देते थे, है ना? ये तो बच्चों का तो बहाना करिए नहीं। सब ना समझा करो, हम अपने स्टाइल से कह देते हैं अब ये। सब आपका स्टाइल ही तो है, वही तो है ना, कुछ कहो तो बुरे ना। अच्छा अब ये सब छोड़ो, देखो शाम को वो लोग आ रही है, शायद आ जाएंगी, तो अपना खाने पीने सब लोग देख लेना पड़ेगा। बना लीजिएगा आप, है ना? हाँ कौन बंटी? हाँ मम्मा। क्या कर रहे? अरे कुछ नहीं बस बच्चे आ जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा ये कह रहे थे बस जरा। हाँ। ये कह रहे थे कि हमारा बहुत मन था ना चलने का। हाँ। तो आप चल सकते हैं? नहीं देखना पड़ेगा, तुम क्या हुआ? देख लो कोई और रेस्टोरेंट में देख लो, लेकिन ये है बेटा समय से आ जाएंगे, तुम्हारा इतना मन है तो हम उसको काटेंगे, समय से आ जाएंगे 10:30 बजे तक, है ना? हाँ ठीक है, 7 बजे यहाँ से निकल लेंगे। और पापा के लिए है इनके लिए पीली वाली दाल तड़के वाली और वही रोटी मिल जाएगा ना। हाँ, हाँ, पनीर की सब्जी अपना करके चले आएंगे, है ना? अरे हमने कहा तुम लोग का भी मन है, और बबली भी हमसे कह रही थी कि अरे मम्मी जी चलिए नहीं, आप किचन ही में लगी रहेंगी, तो हमने कहा चलो बच्चों का कहाँ तक वो हर बार मना करे। ठीक है तो फिर शाम का पक्का कर रहे, फाइनल है ना? हाँ हाँ पनीर टिक्का हाँ, तो, फिर खाएंगे। हाँ सब खाना तुम कोई वो है जो पापा बताए दे रहे हैं ना। ठीक ठीक ये वो क्या हुआ? बंटी और बबली दोनों पीछे पड़े थे तो हमने कह दिया कि चलो शाम को जहाँ चलना है चलो, हम भी कहाँ तक बच्चों की बात काटते रहे, और बंटी कह रहा पेमेंट सारा वही कर देगा तो कोई ऐसी दिक्कत की बात है नहीं। वो कह रहा है जब इतना कमा रहे मम्मी तो काहे के लिए इतना सोचती हूँ, पीछे पड़ा तो सुबह से हमने कहा चलो भैया जहाँ चलना है लेके चलो। अरे यार तुम्हें उन लोग को क्या मतलब, फिर मना करना पड़ेगा फिर उन लोग को। किसको? दीदी को? हाँ तो मना क्या करना पड़ेगा, उनका वो फाइनल तो था नहीं। अगर फोन आता है उनका कि हम आ रहे हैं तो कह दीजिएगा कि हम लोग बाहर आ गए, अपनी तरफ से ना कहिए, आने तो दीजिए फोन ना दीजिए, कोई जरूरी थोड़े ना कि आ ही जाए। ठीक है भाई जैसा सबकी मर्जी। हाँ ठीक। अच्छा सुनो हम ये कह रहे थे उनको वहाँ फिर डायरेक्ट बुला बता देना कि वहाँ आ जाओ होटल में। दीदी को? हाँ 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 जैसे आपको, आपको भी उनके बिना मन कहाँ लगता, हमको वहीं बुला लीजिए, और जो दो दीदी और बाकी उनको भी फोन करके दीजिए हम लोग वहाँ है। सबको हम तो कह रहे हैं, सब जितने लोग हैं घर के हम भी अपनी बहन को बुला ले रहे हैं, एक बढ़िया पार्टी कर देना छोटी मोटी। ये अच्छा लग रहा है, ये हाँ, अच्छा लग रहा है। फिर एक को कहते हैं फिर चार बुरा मानते हैं, आप तो करते हैं अच्छे के लिए बुरे बनते हैं फिर आप ही आखिर में। अरे वो कितनी बर्थडे करते हैं, कहीं किसी में कहती है वहाँ कह दें यहाँ कह दें, जैसा आपको ठीक लगे भैया करिए।